और चलिए अब देख लेते हैं अपराध जगत की खबरें फटाफट अंदाज में। जौलपुर जिले के सैपुर थाना इलाके के सेवा का पुरा और धन्य का नगला के लोगों में जमीन विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। धौलपुर में बाइक सवार दो शख्स की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। चलती बाइक को रुकवाकर चार से पांच लोगों ने हॉकी डंडे से इन दोनों की पिटाई कर दी। झुंझुनू के सुल्ताना इलाके में कैमसर की बदमाश गैंग के लोगों का जीना लोगों ने मुहाल कर दिया है। दरअसल ये गैंग आते जाते लोगों को रोकती है, उनके साथ मारपीट करती है। हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या के बाद गतिरोध बना हुआ है, दूसरे दिन भी परिजनों ने नहीं उठाने दिया विनोद का शव। टोंक के सोप थाना पुलिस और एसआईटी ने अलग अलग जगहों पर अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की। इंदौर सिटी में दो जगहों पर फायरिंग और लूटपाट का मामला आया सामने। भीलवाड़ा में देर रात पालड़ी क्षेत्र में व्यायाम शाला पर हमला किया गया। फिल्म स्टाइल में हथियारों से लैस लोगों ने यहां जिम में धावा बोल दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में मोहनपुरा में जमीन जायदाद को लेकर कलयुगी बेटे ने पिता की ही हत्या को अंजाम दिया। बनसूर के आलमपुर गांव में एक मां पर अपनी डेढ़ साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। साधुशहर कस्बे के वार्ड नंबर 19 में मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला